कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी शहर में आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। कई बार अपराध करने के बाद अपराधी पुलिस के चुंगल से भाग खड़े होते हैं, लेकिन इन्हें पकड़ना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। अब उत्तराखंड की पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग के तहत काम करेगी। इसके लिए देहरादून के बाद हल्द्वानी में भी स्मार्ट कंट्रोल रूम खोल दिया गया है। हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने बहुउद्देश्य भवन हल्द्वानी में करीब 1 करोड़ की लागत से बने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य हल्द्वानी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर सीसीटीवी से नजर रखना है, ताकि हर छोटी बड़ी घटनाएं कैमरे में कैद हो सके। अपराधियों को पकड़ने के साथ साथ ही सीसीटीवी कैमरे ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी काम आएंगे। अगर आप ट्रैफिक के नियमों को ब्रेक या उल्लंघन करते हैं तो अब पुलिस ने कैमरा बेस्ड चालान शुरू करना। यह चालान अब आपके सीधे घर पहुंचेंगे, जिसकी मॉनिटरिंग सीधे कंट्रोल रूम से की जा सकेगी। देखिए, जो हम लोग स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में नैनीताल जिले के कंट्रोल रूम को भी हमने स्मार्ट बनाया है और नए नए कैमराज की संख्या बढ़ाई है और उनको नेटवर्क किया है। अब हम धीरे धीरे इसको स्मार्ट पुलिसिंग के तरफ ले जा रहे हैं। ट्रैफिक के चालान भी हम कैमरा बेस्ड करने लगेंगे आने वाले समय में, जैसा कि देहरादून में हो रहा है कि अगर आपने रेड लाइट जंप किया, आप सोच रहे हैं कि मेरा पार हो गया, किंतु आपके घर चालान पहुँच जाते हैं। रोंग पार्किंग होती है तो आपके घर चालान पहुंच जाता है। तो ये सारी पुलिसिंग हम हल्द्वानी और नैनीताल में लाने वाले हैं। उसी की दिशा में एक कदम है स्मार्ट कंट्रोल रूम।